उत्तरकाशी हो, देहरादून हो, कहीं पर भी, सब जगह कहीं पर भी किसी को भी कानून तोड़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सब जगह शांति व्यवस्था बनाई रखी जाएगी हर हालत। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार के इस बयान से साफ है कि उत्तराकाशी में 15 जून को महापंचायत नहीं होगी। ये महापंचायत कथित लव जिहाद और धर्मांतरण को लेकर बुलाई गई थी, लेकिन उत्तराखंड प्रशासन की ओर से इसकी इजाजत नहीं दी गई। दरअसल विवाद मई के महीने के आखिरी हफ्ते में शुरू हुआ। उत्तराकाशी के पुरौला में सामने आए नाबालिग हिंदू लड़की को भगाने के मामले ने इतना तूल पकड़ लिया कि देवभूमि की शांत फिजाओं में नफरत और सांप्रदायिकता का जहर घुलता चला गया। पुरौला में फिलहाल धारा 144 लागू कर दी गई है और डीजीपी ने साफ साफ कहा है कि राज्य में कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की इजाजत किसी को भी नहीं दी जाएगी। पूरी तरह से सजग है, सतर्क है, कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु जो भी आवश्यक कदम होते हैं वो सब उठाए जा रहे हैं। किसी को भी शांति भंग करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मेरी सभी पक्षों से अपील है कि कृपया करके शांति बनाए रखने में हमारा सहयोग करें। किसी को भी कानून तोड़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सर लड़ाई है, अनुमति नहीं दी है सर, लेकिन कुछ संगठन सर आमदा है करने के लिए, सर उनको किस तरीके से प्रशासन देखता है सर कार्रवाई? जैसा मैंने कहा, शांति बनाए रखने हेतु जो भी आवश्यक कदम है सब प्रशासन द्वारा उठाए जा रहे हैं, और जो फिर उनका उल्लंघन करेगा किसी भी कानून का तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सर बढ़ाई गई है सर कुछ इस तरीके की? पूरी तैयारियां जो है हमने फोर्स वहां पे लगा दी है और पूरी तरह से हम सतर्क हैं, किसी को भी गैर कानूनी काम करने की इजाजत नहीं दी जाएगी और शांति व्यवस्था हर हालत में बनाई जाएगी। एक पंचायत वहां पर कॉल थी और एक 18 जून को देहरादून की कॉल थी सर, उन दोनों को देखते हुए किस तरीके से सर अगर वहां होती तो 18 जून दिल्ली देहरादून में सर? देखिए उत्तरकाशी हो, देहरादून हो, कहीं पर भी, सब जगह कहीं पर भी किसी को भी कानून तोड़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सब जगह शांति व्यवस्था बनाई रखी जाएगी हर हालत। डीजीपी के अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी लोगों से अपील की है कि कोई कानून हाथ में ना ले, कोई दोषी होगा तो कानून काम करेगा। देखिए हमने सभी लोगों से कहा है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें, कोई भी कानून अपने हाथ में ना ले, और अभी तक जितनी भी घटनाएं हुई हैं पूरा प्रशासन ने उस पर ठीक तरीके से काम किया है। कोई भी किसी के साथ अभी तक कोई न मारपीट की घटना हुई है, न कोई लूटपाट हुई है, किसी प्रकार की भी कोई वो नहीं हुई है। लेकिन अभी भी लोगों से हमने कहा है कि सभी लोग शांति से काम लें, अगर कोई दोषी होगा तो उसके खिलाफ कानून काम करेगा, और कानून किसी को भी हाथ में लेने की इजाजत नहीं है, इसके लिए सभी को निर्देशित कर दिया गया है। जहां प्रशासन की ओर से सख्त कार्रवाई की बात कही जा रही है, वहीं दूसरी ओर ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा। 15 जून को होने जा रही महापंचायत के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। हिंदू संगठनों ने लव जिहाद और लैंड जिहाद के खिलाफ उत्तराकाशी के पुरौला में महापंचायत बुलाई है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से मना करते हुए कहा है कि याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट में अपनी बात रखनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि कानून व्यवस्था देखना प्रशासन का काम है,